नमस्कार आदाब, मैं हूं तबरेज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के हाटा ब्लॉक में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय बतरौली पे, जहां पर हम आपकी मुलाकात आज एक ऐसे शिक्षक से कराने वाले हैं, एक ऐसे उदाहरण के रूप में ये सामने आए हैं। लोगों की जो सोच होती है परिषदीय विद्यालयों को लेकर, उसको भी इन्होंने बदलने का काम किया है। तो हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक ऊर्जावान शिक्षक से आज कराने वाले हैं। देर न करते हुए हम सुनील सिंह जी से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय बतरौली पे नियुक्त हैं। सुनील सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार आपका। सुनील जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि परिषदीय विद्यालयों के बारे में लोगों की एक सोच होती है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आपके यहाँ विद्यालय पे जैसा कि देखा गया है कि चाहे बच्चों के नामांकन की बात को लेकर हो या खेलकूद में भी आपके विद्यालय के बच्चों ने काफी नाम किया है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने ये किया है, कैसे कर पाए हैं आप, इसके बारे में आप जरा कुछ बताएं जी। अब रही बात इस परिषदीय विद्यालय के कायाकल्प की, बदलने की, एक समाज में एक नए रूप में इसको मॉडल के रूप में स्थापित करने की, जब मैं यहाँ आया तो मुझे भी तमाम तरह की दिक्कतें थी। यहाँ पे नामांकन कम था, उनकी जो शैक्षणिक गुणवत्ता थी वो भी निम्न थी। तमाम परेशानियों से मैंने भी फेस किया और विद्यालय में अकेला ही शिक्षक था, लेकिन जज्बा था मुझे कि मुझे कुछ करना है। और इसके लिए फिर मैंने प्रोग्रामिंग बनाई और प्रोग्रामिंग के तहत मैंने कुछ विशेष बातें की। सबसे पहली चीज कि बच्चों के नामांकन में वृद्धि के लिए, जैसे मैंने जगह जगह कैंप लगाए, झुग्गी बस्तियों में जा जाकर कैंप लगाया, नामांकन मेला लगाया और वहां से मैं बच्चों को नामांकित किया। और इसके अलावा फिर ठहराव की बात की जाती है तो बहुत सारे TLM मैंने बनाए, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य किया। ICT के माध्यम से मैंने प्रयोग किया, जिससे बच्चों में रोचकता बढ़ी, पढ़ने की रोचकता बढ़ी और शिक्षण भी बड़ा सुगम हो गया इससे। तो ये सब चीजें मैंने प्रयोग किए। सामुदायिक सहयोग लिया, समुदाय का सहयोग, जैसे वो अभिभावकों की मीटिंग करते थे वो भी हमारे साथ जाते थे, जब मैं सर्व शिक्षा अभियान निकालता था लोगों के घरों तक जाते थे। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए बराबर इन बच्चों का टेस्ट लेना, अभिभावकों से उनकी रिपोर्ट देना, फिर उसके बाद विद्यालय के सौंदर्यीकरण पर मैंने ध्यान दिया, पौधारोपण किया, अभिभावकों से पौधारोपण करवाया। इसके अलावा विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मैंने यहाँ सचल तारा मंडल लगवाया, विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ के टीम को यहाँ बुलाया, वो लोग लेके आए और यहाँ पे तारा मंडल लगा। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, मैं समर कैंप पिछले 3 साल से लगातार लगवा रहा हूँ। इस समर कैंप के माध्यम से मुझे बहुत सारे टैलेंट देखने को मिलते हैं, उन पे मैं फिर पूरे साल काम करता हूँ, जिसकी उपलब्धियां ये रही कि बच्चे खेलकूद, विज्ञान में और भी तमाम क्षेत्रों में, क्राफ्ट में, चित्रकला में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें राज्य स्तर तक के पुरस्कार प्राप्त हुए हमारे विद्यालय के बच्चों को। जब आपने इन चीजों की शुरुआत की तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जी, सबसे पहली चीज तो ठहराव की कमी थी, तो इन सब चीजों के लिए मैंने भी बताया कि जैसे प्रार्थना सभा है उसको बड़ा आकर्षक बनाया। वाद्य यंत्र मैंने खरीदे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ये सारे वाद्य यंत्र हमने खरीदे निजी धन से और बच्चों में रोचकता बढ़ाई, वो वाद्य यंत्र से प्रार्थना करने लगे, असेंबली करने लगे। इसके अलावा मीना मंच का गठन किया, मीना मंच के माध्यम से गांव गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक किया, जागरूकता के कार्यक्रम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान पे मैंने बहुत ज्यादा कार्यक्रम किए। और जो परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? क्या आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसी चीजों को किया है जिससे आपको बच्चों के नामांकन से लेकर और उनके गुणवत्ता में जो ये कामयाबी आपने पाई है, क्या आपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की हैं? बस मैं तो बस यही जानता हूँ सर कि ये मैंने अपना निजी विद्यालय मान लिया, और जब निजी विद्यालय मान लिया तो समय की कोई सीमा मेरे पास नहीं रही। सुबह भी 1 घंटा पहले ही मैं आ जाता हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं उनको पढ़ाया जाता है, संडे को भी क्लासेस ली जाती है। तो ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको मैंने अपना विद्यालय मान लिया है कि यही मेरा अपना निजी विद्यालय है, इसलिए मैं पूरे लगन से लगा हूँ और परिणाम आप सबके सामने है। आपके जो स्कूल के जो बच्चे हैं तो इनको डेवलप करने में या और जो भी संसाधन यहाँ पे आपने जुटाए हैं, तो इसमें आपको किस तरीके से ये चीजें की हैं, विभाग से आपको सहयोग मिला है या आपने अपने स्तर से किया है, किस तरीके से आप इन चीजों को जुटा पाए हैं? देखिए, दोनों का सहयोग रहा है। विभाग स्तर से जो सरकारी सुविधाएं आती हैं, जैसे जूता मोजा है, ड्रेस है, तमाम तरह के ऐसे जो चीजें आ रही हैं जो सब विद्यालयों को मिल रही है, वो हमारे विद्यालय को मिल रही है। लेकिन इससे ऊपर भी उठ के कुछ करना पड़ता है, कुछ अगर आपको अलग मुकाम हासिल करनी है तो कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो मैं और मेरी टीम, जैसे उसमें राजेंद्र सर है, मैं हूं और मैडम जी, हम सब लोग ने मिलकर अपने वेतन से 10% पैसा अलग निकाल के हम लोग एक कोर्स बनाए हैं। उस कोर्स से जहां जरूरत पड़ती है हम बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं और उनके उन्नयन के लिए हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ सुनील सिंह जी। आपने सुनी इनकी बातें कि किस तरीके से, कितनी मेहनत के साथ इन्होंने अपने इस विद्यालय को डेवलप करने का काम किया है। वाकई अगर कहा जाता है कि एक शिक्षक जो होता है वो राष्ट्र निर्माता होता है,
अगर हर शिक्षक अपने मन में ये ठान ले और उस विद्यालय के बच्चों को वो अपना मान ले तो उनको डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता है। सुनील सिंह जी वाकई एक मिसाल के रूप में है कि इनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से अगर आपके मन में जज्बा हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। और हमारे तरफ से सुनील सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।